आप सभी ठीक होंगे और लॉकडाउन में आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते होंगे, और जो भी जान रहे हैं, मुझे नहीं भी जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम मैथ साइंस पढ़ाते हैं और कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं, और कंपटीशन का पढ़ाते हैं शिवानी एजुकेशन पे, जो कि शिवानी एजुकेशन पे हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एक मैम है जीके जीएस पढ़ाती है, ठीक है। आपको जब मैथ साइंस पढ़ना है तो आर के सिन्हा पीसीएम में आइए और इस चैनल को सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। बस कंसेप्ट इज पावर, आप जानते हैं कंसेप्ट इज पावर, आपको कंसेप्ट दिया जाएगा और कंसेप्ट से आप कंसेप्ट करते हैं तो क्लियर, आपका सवाल पूरा क्लियर। आप एक सवाल बनाते हैं कंसेप्ट से और बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाते हैं तो अंडरस्टैंड में आएगा, तो आपके पास तो सवाल बनाने का क्षमता रहेगा। बस आप रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिए। और आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, पहले हम बता देते हैं, और आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैसे त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ, कहां पर हुआ और किसने किया, और कैसे क्यों पढ़ते हैं वो जानेंगे, और ये भी जानेंगे त्रिकोणमिति का ग्रीक भाषा क्या है वो भी जानेंगे, एंगल भी जानेंगे, किस तरह क्या होता है त्रिकोणमिति में अच्छी तरीके से जानेंगे। ज्यादा देर नहीं करेंगे, आते हैं देखते हैं त्रिकोणमिति। अब देखो त्रिकोणमिति में वो टॉपिक क्या सब आता है, वो सबसे पहले बेसिक जो है आप ही जानते हैं कंसेप्ट इज पावर, क्या कंसेप्ट इज पावर से हम पढ़ते जाएंगे। आप कंसेप्ट जानते हैं तो हर एक सवाल को आप पूरा आपके पास क्षमता रहेगा बनाने का। अब देखो सबसे पहले इसका क्या होता है, इसका खोज कब हुआ, अब देखो इसका खोज कब हुआ, 476 और 550 ईस्वी के बीच में हुआ था। उसके बाद त्रिकोणमिति की खोज किसने किया था, त्रिकोणमिति का खोज आर्यभट्ट ने किया था, किसने किया था, आर्यभट्ट ने। अब समझ में आ रहा है। अब देखो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, अब देखो त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अब देखो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजा है, क्या एक त्रिभुज की भुजा है और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप एक मीनार देख रहे होंगे, अब देखो जैसे कि हम ऊंचाई पर से मीनार, जैसे कि हम यहां से देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, पूरा ऊंचाई पे देख रहे हैं, अब देखो एक शीर्ष तो बन रहा है, जैसे कि हम छत पे चढ़ते हैं या कहीं चढ़ते हैं तो वहां से फिर देखते हैं ऐसे ऐसे होता है, तो एक समकोण त्रिभुज का, एक त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। हम उसी को अध्ययन करेंगे, और त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कोण हम इसी मेथड में निकालेंगे, इसी त्रिकोणमिति से हम ये कोण निकालेंगे, ये ट्रायंगल निकालेंगे, कैसे ये एंगल निकलता है, ठीक है। अब देखो ग्रीक भाषा, त्रिकोणमिति का ग्रीक भाषा क्या होता है, अब देखिए, अब देखो यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द, अब देखो अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के शब्द त्रिकोणमिति कहते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। इसका ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, किसका, इसका ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, अब देखो ट्राई, अब देखो गोन और मेट्रोन, अब देखो तीन शब्दों से मिलकर बना है। अब देखो ट्राई का मतलब है थ्री, और उसके बाद गोन का मतलब साइड, और मेट्रोन का मतलब मेजर, मतलब इसका मतलब थ्री का मतलब तीनों कोण, मतलब कि साइड वाला कोण अर्थात थीटा वाला कोण, जैसे कि ये कोण जो देख रहे हैं थीटा के आमने सामने के भुजा लंब को कहते हैं, क्या, परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार उसका बेस होता है और हाइपोटोनियस होता है कर्ण, ठीक है। अब वो बताने वाले, अब देखो मेट्रोन मतलब कि मेजर, अब मापना, तीनों कोणों को मापना, तो यही कहलाता है त्रिकोणमिति, और अध्ययन किया जाता है उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। और आते हैं कंसेप्ट इस पावर ट्रायंगल, अब देखो एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लिए, अब देखो एक समकोण त्रिभुज लिए, अब देखो हम इसमें पहचानेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, अब देखो इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे, हर एक्सरसाइज में आपको नई चीज मिलेगा जानकारी, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको हम बेस, इसको आधार कहेंगे, इसको हम कहेंगे लंब, इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज कर्ण जिसको कहते हैं। अब देखो इसके बाद ये जो है ए, अब देखो साइड एडजेंट टू कोण ए, मतलब साइड एडजेंट कोण टू ए को ए के सामने ये आधार है, क्या, ए के सामने ये एंगल के सामने आधार है, क्या, ये आधार है, बेस है। अब देखो ए के, अब देखो ये ध्यान देना है, ये जो लंब है साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको कहते हैं साइड अपोजिट, अर्थात ए के आमने सामने की भुजा, ए के आमने सामने की भुजा, ये जो है ए के आमने सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं, समझ में आ रहा। अब देखो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, क्या, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, सब याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो है हाइपोटोनियस, ये दोनों भुजा जो है, ये बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों भुजा से हाइपोटोनियस सबसे बड़ी भुजा रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम कहते हैं कर्ण, क्या, हिंदी में हम कहते हैं इसको कर्ण और इंग्लिश में
हाइपोटोनियस कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। उसके बाद साइड एडजेंस टू कोण ए को ए के सामने, मतलब एडजेंस्ड मतलब क्या, ए के सामने वाले भुजा आधार है, बेस है, तो इसको हम कहेंगे आधार। क्या आधार? आधार। ये समझ में आ रहा है, ये अच्छी तरीका से समझ में आता होगा। अब देखो इसी को रोटेट कर देगा। अब देखो एक बात, जैसे कि जहां पर ये थीटा रहेगा, ये थीटा कोण कौन, ये जो थीटा कोण है इसको थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। ये इस कोण को अल्फा बीटा थीटा गामा ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसको थीटा मान रहे हैं। अब देखो थीटा के आमने सामने की भुजा वो लंब कहलाती है, बस याद रखना। क्या? थीटा के आमने सामने की भुजा वो लंब कहलाती है, बस। अब देखो इसी को रोटेट कर दिया। अब देखो सी ये कोण जो ये थीटा रहेगा तो लंब क्या होगा, ये थीटा रहेगा तो थीटा के आमने सामने के भुजा ये लंब कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो अब अच्छी तरीका से समझाते, इसको रोटेट कर दिया, जैसे कि इसको रोटेट कर दिया। अब देखो ध्यान से देखना, यहां ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी को हम रोटेट कर दिए तो इसको इसका नाम क्या दे देंगे, बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम ए, ठीक है। अब देखो ये सी कोण, ये थीटा कोण बना रही है। अब देखो ये थीटा कोण बना रही है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा, ये लंब होगा, ये रोटेट कर दिया। देखो ऊपर वाला इधर आ गया तो रोटेट कर देंगे तो ये लंब हो जाएगा, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे पी से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाता है। अब देखो ये हाइपोटोनियस एच, एच से डिनोट किया जाता है, इसको हम बोलेंगे कर्ण, समझ में आ रहा, इसको हम बोलेंगे कर्ण। अब देखो ये जो है थीटा के आमने सामने की भुजा लंब, याद रखना, जब यहां पर भी थीटा के आमने, जब थीटा यहां पर रहेगा ये पूछेगा थीटा के आमने सामने की भुजा वो लंब कहलाएगी। अब देखो यहाँ थीटा के आमने सामने की भुजा लंब कर रोटेट रहेगा तब, ठीक है, समझ में आ रहा है कि। अब देखो यहाँ पर आधार, ये इसको हम बी से स्विच किया, डिनोट किया जाता है, किससे, बी से डिनोट किया जाता है, इसको हम बोलेंगे आधार। क्या इसको हम बोलेंगे, क्या आधार। अब देखो इसमें आओ, इसमें देखो, इसमें जब पूछा थीटा कोण तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बस ये हाइपोटोनियस कर्ण हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। अब देखो इसमें कुछ पाइथागोरस पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ इससे इसमें कुछ मतलब की ज्यादा मतलब की बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूला अभी तुरंत, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, बहुत कंसेप्ट इस पावर आप भी जानते हैं और अच्छी तरीका से बताएंगे। देखते हैं कौन कौन त्रिभुज ले लिए। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, इससे क्या फॉर्मूला निकलता है वो हम देखेंगे और अच्छी तरीका से देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, बस इसको याद रखना है, 8.1 क्लियर हो जाएगा। इस पे कुछ पाइथागोरस प्रमेय का कुछ वो फॉर्मूला है वो देख लेना है, और उसके बाद ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, बस इस पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर पंडित बद्री, अब देखो पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री, देखो पी से पंडित, पी से बद्री, पी से पंडित, अब देखो पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, अब देखो हर हर बोल, हर हर बोल, ठीक है, एकदम समझना, सोना चांदी तौल, क्या, सोना चांदी तौल, ठीक है, समझ में आया, और अच्छी तरीका से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये जो है इसमें बटे के रूप में कर देंगे इसको। अब देखो इसमें कुछ हमारे आर्यभट्ट जो इसमें साइन और कॉस जो माना था सबसे पहली बार उसी का देन है, और उसके बाद देख रहे हैं आर्यभट्ट यही है, ठीक है, और बता दिया, और पहले वाले चैप्टर में हम पहले मतलब कि पहले वाले चैप्टर में नहीं बेसिक में शुरू में ही बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आर्यभट्ट यही है, देख लीजिए। और अब देखो साइन, अब देखो साइन का प्रयोग यही आर्यभट्ट ने सबसे पहले किया है। अब देखो साइन, अब देखो साइन इसमें फॉर्मूला क्या सब निकलता है, अब देखो साइन थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा हम मान लेंगे, अब देखो जैसे कि साइन थीटा, देखो थीटा हम मान लेते हैं, क्या थीटा कोई मान लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर थीटा मानते हैं, यहाँ पर थीटा मानते हैं, तो थीटा के आमने सामने के भुजा क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पर देखो सूत्र पे आओ, ये फॉर्मूला पे आओ, अब देखो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा इसको मान ली, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो ये साइन थीटा, क्या, ये साइन थीटा, ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, क्या, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, बस याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल,
पंडित बधि प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, याद करना भी नहीं पड़ेगा बस इस ट्रिक से। अब देखो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, अब देखो ये जो है ये अलग हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये कॉस, अब देखो कॉस थीटा बराबर, ध्यान से देखना है, कॉस थीटा बराबर, अब देखो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, क्या बी बटे एच, समझ में आ रहा है, बी बटे एच। उसके बाद यहाँ पर टी बराबर टेन थीटा, क्या टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बटे बी, क्या पी बटे बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटक कर, लंब बटक कर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटक कर, अब देखो साइन थीटा, अब देखो ये इसको थीटा मानेंगे, थीटा के आमने सामने की भुजा लंब कहलाती है, अब देखो लंब कहलाती है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब देखो इसको लंब और इसको मारेंगे कर्ण हाइपोटेनियस। अब देखो बीसी हुआ क्या, ये हुआ लंब परपेंडिकुलर, एसी हुआ क्या हाइपोटेनियस। अब देखो पी बटे एच, अब देखो वही नाम लिखे यहाँ पी बटे एच लंब बटे कर्ण, अब उसी को हम बोलेंगे बीसी, क्या बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अब देखो आधार हम किसको, आधार बटे कर्ण, आधार बी से सूचित किया जाता, डिनोट किया जाता, और आधार बटे कर्ण, कर्ण को हाइपोटेन्यूस। अब देखो बी बटे एच आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण, अब देखो आधार बटे कर्ण तो इसको हम क्या मानेंगे ए बी, ए बी आधार क्या है ए बी, और ए सी, क्या ए सी, क्या ए सी है। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर पी बटे बी, अब देखो पी परपेंडिकुलर बटे बेस बेस, अब देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बीसी बटे बी, क्या बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी। अब ध्यान से देखना इससे एक सूत्र निकलता, अब देखो ये कंडीशन याद रह जाएगा ना तो वो फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा से हम क्या निकालते हैं फॉर्मूला, अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, अब देखो इसका उल्टा क्या है, अब इसका उल्टा होता है क्या कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है। अब देखो यहाँ पर देखो टेन थीटा, अब यहाँ से चलो टेन थीटा बराबर, अब देखो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा, अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, इसको उल्टा दो, क्या उल्टा दो, अंश वाले हर और हर वाला अंश कर दो। अब पी बटे बी है तो बी बटे बी, बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे ये है ये बी किसको माने हैं, बी किसको आधार और पी किसको माने हैं, इसको पी माने हैं परपेंडिकुलर लंब को माने हैं। अब देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर b बाय p, अब देखो इसी को बोलेंगे आधार बटे लंब, इसी को बोलेंगे क्या हिंदी में आधार बटे लंब। अब देखो उसके बाद cos थीटा, अब देखो cos थीटा का उल्टा क्या होता है यहाँ पर देखो sec थीटा, sec थीटा, अब देखो sec थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अब देखो sec थीटा बराबर इसका उल्टा क्या होता है h बटे b हो जाएगा, h बटे b हो जाएगा, क्या h बटे b हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बटे बेस बस। अब देखो sec थीटा, अब देखो sin थीटा, अब देखो उसके बाद sin थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा, अब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो p बटे h है तो h बटे p हो जाएगा, h बटे p हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी को बोलेंगे हम कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे कर्ण बटे, कर्ण बटे आधार बोलेंगे, यहाँ आधार बटे कर्ण बोलेंगे, क्या आधार बटे कर्ण नहीं, अब देखो कर्ण बटे आधार, एच से हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलेंगे, पी से परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलेंगे, समझ में आया। अब देखो इसमें कुछ ये फॉर्मूला है, जैसे कि ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अब देखो ये दोनों, अब देखो ये कर्ण के बराबर, ये दोनों भुजा के बराबर ये कर्ण होता है, क्या दोनों भुजा के बराबर कर्ण होता है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का कुछ सूत्र है, ठीक है, अब देखो ये याद रखना, पंडित बधि प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, बस 8 पॉइंट क्लियर, बस ये फॉर्मूला याद रखने के बाद 8.1 क्लियर, ठीक है। अब देखो कर्ण, अब देखो ये लंब, और लंब ये आधार, लंब ये आधार परपेंडिकुलर ये बेस,
कि दोनों भुजा के बराबर ये होता है कर्ण। एक्सरसाइज 8 पॉइंट के और चलेंगे और कहीं दिक्कत नहीं हो रहे होने देंगे और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट और नेचर से चलेंगे और बेसिक के साथ और एक भी स्टेप आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहले 8.1 का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौर, बस ये याद रखना है और आपको 8.1 धज्जी धज्जी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सवाल पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात, अब देखो इंग्लिश वाले, अब देखो इन त्रिभुज एबीसी राइट एंगल एट बी एबी बराबर 24 सेंटीमीटर डिटरमाइन, तो पूछ रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो लास्ट तक वीडियो देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक समकोण त्रिभुज यहां पर क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी, अब देखो त्रिभुज एबीसी नाम रख लेते हैं, क्या ए बी सी, अब देखो एक त्रिभुज अब कह रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, अब देखो बी एक समकोण में 90 डिग्री होता है, कोण बी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है यहाँ 24 सेंटीमीटर है, क्या 24 सेंटीमीटर है, और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आप लास्ट तक वीडियो देखें। अब देखो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, अब देखो ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, अब देखो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ कहते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करें डिटरमाइन, तो अब देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, अब देखो एक में दिया हुआ है, अब देखो ये प्रश्न है, अब देखो इसी के अनुसार हम लेते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे कंसेप्ट बेसिक जो होगा। अब देखो साइन थीटा बराबर, अब देखो पंडित बद्री हम बताए थे याद करने के लिए, बस हम तो बस एक शिक्षक के नाते तो आपको बस हम इंफॉर्मेशन देंगे, आप पढ़िए और याद रखिए और बेसिक और कंसेप्ट से पढ़िए, क्योंकि आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं ना कोई दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन तक दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो साइन ए और कॉस ए, अब देखो साइन ए, अब देखो एक कोण लेते हैं, एक नंबर का सवाल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, अब देखो ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी कैसे निकालेंगे, अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटक कर्ण, अब देखो लंब बटक कर्ण होता है, लंब बटक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन कर्ण हमको पता ही नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, अब देखो यहां पर निकाल निकाल देते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर, देखना ध्यान से एच स्क्वायर बराबर ये हम निकालेंगे, अब देखो ये तो हमको पता ही है 7, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ऐसे लिख देते एच स्क्वायर बराबर है ना, एच स्क्वायर हो जाएगा, अब पी स्क्वायर परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बटर पी स्क्वायर प्लस बटर नहीं होगा 24, अब देखो 24 को हम क्या मानेंगे आधार है, बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो अब ऐसे कर दो ना, तो अब देखो स्क्वायर इधर आ जाएगा पी स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर इधर आ जाएगा दूर चढ़ जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 7 है तो 7, अब देखो प्लस है तो अब देखो 24, ठीक है, अब बी कितना है 24, अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर देते जाएंगे, क्या स्क्वायर, अब यहां पर देखना है, अब देखो 77 49, क्या 77 49, अब देखो प्लस है यहाँ प्लस 24 × 24 कितना आता है 576, अब देखो 576, अब देखो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625, अब देखो 625 आ गया, अब देखो रूट 625 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 625 का वर्गमूल होता है 25, क्या 25 होता है, ये 25 मेरा आ गया, ये मेरा कर्ण हाइपोटेन्यूस 25 निकल गया, ये समझ में आया, किसको समझ में आया बताइए, और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है 25 आ गया, तो 25 आ गया कितना ये हो गया। अब देखो यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है साइन ए, अब देखो साइन ए यहाँ पर ए है, जब ये पूछेगा साइन, अब देखो साइन ए, अब देखो साइन थीटा बराबर साइन ए, इसको थीटा मान लिया, अब देखो ए के सामने भुजा कौन है, क्या है ए के सामने सामने भुजा कौन है, अब देखो ये लंब है परपेंडिकुलर है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटन कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अब देखो 7/25, क्या 7/25 ये समझ में आ रहा है 7/25, अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो समझ में आ रहा है, अब देखो 7/25 हो गया। अब देखो कॉस ए, अब देखो कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है
आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण बी बाय एच होता है। अब देखो बी बाय एच होता है, सब निकल जाएगा ठीक है। कॉस कॉस ए, कॉस ए बराबर बी बाय एच, बी बाय एच। अब देखो 24 बटे क्या हो जाएगा, 24 बटे 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 24 बटे 7। अब देखो ये साइन कॉस, अब देखो साइन है और कॉस ए निकल गया, साइन है और कॉस ए। अब देखो दूसरा नंबर गया प्रश्न में, साइन सी और कॉस सी, क्या साइन सी और कॉस सी, लेकिन हम क्या बोले थे, जब रोटेट हो जाए सी है, ये कौन क्या है सी है, जब ये सी है तो रोटेट होगा तो क्या होगा। अब देखो सी के आमने सामने की भुजा हम बताए थे, ये क्या होगा, ये क्या होगा, आमने सामने की भुजा लंब होगा। ये सी पूछ रहा है ना, यहाँ ध्यान देना है सी है या बी पूछ रहा है कि डी पूछ रहा है, ये ध्यान देना ठीक है। अब देखो साइन सी है यहाँ, अब देखो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ये लंब हो जाएगा, क्या ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है 24 है, तो साइन थीटा बराबर ये मिटा दें, नहीं मिटा तो मिटा देते हैं एस के लिए शॉर्ट ले लीजिए तो ले लिया होंगे। अब देखो ये मिटा देते हैं ठीक है, ये निकल जाएगा आप सबसे। अब देखो ये दूसरा नंबर में देखो साइन सी, अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 24 बटा, ध्यान से देखना है और ध्यान से जरूर बनेगा सवाल और कहीं दिक्कत, 24/25 हो जाएगा, 24/25 समझ में आ रहा है। अब देखो ये 24/25, अब देखो कॉस सी पूछ रहा, कॉस सी ये थीटा पूछ रहा, ये नहीं लेंगे। अब देखो ये सी है ना कॉस थीटा, जब थीटा यहां पड़ेगा ये आमने सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा ठीक है। अब देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 7/25, कॉस कॉस थीटा बराबर आधार 7/25, तो 7/25 आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से, यही निकालने का रहा है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मौन ज्ञात करें, ये दोनों सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का मौन ज्ञात करें 8.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। और कहीं दिक्कत हुआ तो आप डिसलाइक कीजिए, आपको समझ में आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों में, इसी तरह जुनून और जोश के साथ पढ़ाते हैं और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, कंसेप्ट और क्लियर करवाते हुए जाएंगे और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पार्ट टू ही मिलेंगे और ये एक्सरसाइज 8.1 का और पार्ट टू क्वेश्चन लेके आएंगे, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन उतना क्षमता से हम करवाएंगे जो कि आपके पास रहेगा, पूरा सवाल बनाने का चैप्टर धंजी धंजी उड़ेगा। जय हिंद जय भारत।